मस्जिद कुबा, यहाँ पर नमाज पढ़नी है। मस्जिद कुबा ये वो जगह है जहाँ पे मौला अली और बीबी पाक का घर था और यहाँ पे बीबी रुखसत होके आई है। तो ये वो मेहराब है मस्जिद कुबा की जहाँ पे घर था कभी मौला अली का। ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मस्जिद जुमा और ये राइट साइड पर जो मदरसा मदरसा है किस्वा। और मैंने आपको कल भी ये बताया था कि तमाम कबाइल हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि सरकार सलमान मेरे घर में तशरीफ लाए, मेरे घर में कयाम फरमाए। तो जनाब रसूल खुदा ने सबकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही कि मैं हुक्म खुदा से उस जगह पर कयाम करूंगा जहां पर मेरी ये ऊँटनी किस्वा कयाम करेगी, जहां ये खड़ी होगी मैं वहां पर कयाम करूंगा। तो वो ऊँटनी चलती रही मस्जिद का जो मीनार मैंने आपको जिसकी निशानदेही की थी जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर, वहां पर वो जाकर ऊँटनी वहां पर रुकी और वहीं पर सरकार रिसालत मार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया। मस्जिद जुमा ये वो जगह जहाँ पर सूरह जुमा नाजिल हुई थी। आप कुरान मजीद में सूरह जुमा हर जुमे को जो आप पढ़ते हैं नमाज जुमा में, उस सूरह की जो शान नज़ूल है वो इसी मकाम पर है और इसको शारह हिजरा भी कहते हैं। इस रोड को शारह हिजरा भी कहते हैं क्योंकि इसी रोड पर आगे मस्जिद कुबा भी है। जब सरकार सनत माप हिजरत के बाद यहाँ तशरीफ लाए और जब मौला अली अलैहिस्सलाम भी मस्जिद कुबा वाले मकाम पर आकर मिले तो वहाँ से जब सरकार यहाँ मदीना में दाखिल हो रहे थे तो जितने कबाइल थे, ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी, जितने कबाइल मदीना के थे सब यहाँ पर खड़े थे सरकार रिसालत माब का इस्तकबाल करने के लिए। खुदा ने मार्फत के साथ ये ज़ियारत नसीब फरमाए, रोती हुई आंखों से दुआ करें खुदाया हमारे कारवान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा, बिलखसूस अली जो जाफरी साहब की तौफीकात में इजाफा फरमा, इनके नेक शरी हाजात पूरे फरमा, इनके जो भी परेशानियां हैं तकलीफें हैं वो खत्म फरमा, करीबन जितने भी मरीज हैं उनको शिफाए कुली कामला आजिल अता फरमा, हैदर साहब को सेहत कामला आजिल अता फरमा, जितने भी बे औलाद हैं करीम अल्लाह उनको सहब औलाद फरमा और जिंदगी वाली औलाद अता फरमा, करीम अल्लाह जितने भी मोमिनीन रिज के हवाले से नौजवान रिज के हवाले से परेशान है इज्जत वाला रोजगार अता फरमा, करीम परवरदिगार सिलका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का हमारी ये ज़हमत अपनी बहकाह में कबूल फरमा और हमें मार्फत के साथ इन ज़ियारात को अदा करने की तौफीक अता फरमा। के मरीज जो है जो जख्मी थे उनको जब यहाँ पर लाया गया तो जनाबे सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिट्टी को उठाकर तमाम जख्मियों के जख्मों पर लगाया और सबको शिफा मिल गई। इसे इस जगह का नाम खाके शिफा भी है और पागल सलमान फारसी भी है। और मैं आपको जनाब सलमान मोहम्मदी के हवाले से बता रहा था, वो एक यहूदी के गुलाम थे और सरकार सलमान माँ ने कहा कि आप इसको जनाब सलमान को रिहा कर दें, तो उसने कहा मेरी कुछ शरायत है, अगर आप इस जगह पर 100 फलदार दरख्त यानी खजूर के दरख्त यहाँ पर लगा दें और इसका फल मुझे मिल जाए तो मैं इसको रिहा कर दूंगा। सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से गुठलियाँ देते गए, मौला अली अलैहिस्सलाम लगाते गए, दरख्त बनते गए और उनका फल भी 100 दरख्तों का तैयार हुआ। वो ये मंजर देखे यहूदी मुसलमान भी हो गया और उसने जनाब सलमान को रिहा भी कर दिया, उनको गुलामी के लिए भी छोड़ दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको यहाँ लेके आए, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो जो
यहाँ आने की तमन्ना रखता है अल्लाह के दर पाक पे, रोज़ा रसूल पाक सल्लम पे हाज़िरी देना चाहता है, उम्रे की और हज की सआदत हासिल करना चाहता है। अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।